आज परम सौभाग्य की बात है कि आज भगवान चारभुजानाथ की कृपा से 12 जिले से हमारे जनजाति विभाग में समाज के भाई गजानन जी गलगट जो कि जैन पद पर आसीन है, आज आप भगवान चारभुजानाथ के चरणों में आने का आपको अवसर मिला है। मैं हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही राज संबंध में जो 370 वर्ष में जो हमारे पूर्वजों को पूर्व में सफलताएं मिली थी, वही सफलताएं हमारे भाई इंजीनियर गौतम जी कलिया जो कि हरियाणा की धरती पर आप रहते हैं, मैं आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका प्रेम नियंत्रण इसी प्रकार बने रहे, भगवान चारभुजानाथ की प्रार्थना आप इसी प्रकार करते रहें और अपने समाज को विकास बनाने में जो आप सहयोग दे रहे हैं मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य की बात है कि आज भगवान चारभुजानाथ की कृपा से 12 जिले से हमारे जनजाति विभाग में समाज के भाई गजानन जी गलगट जो कि जैन पद पर आसीन है, आज आप भगवान चारभुजानाथ के चरणों में आने का आपको अवसर मिला है। मैं हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही राज संबंध में जो 370 वर्ष में जो हमारे पूर्वजों को पूर्व में सफलताएं मिली थी, वही सफलताएं हमारे भाई इंजीनियर गौतम जी कलिया जो कि हरियाणा की धरती पर आप रहते हैं, मैं आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका प्रेम नियंत्रण इसी प्रकार बने रहे, भगवान चारभुजानाथ की प्रार्थना आप इसी प्रकार करते रहें और अपने समाज को विकास बनाने में जो आप सहयोग दे रहे हैं मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब याद अपना समाज का तो रहता नहीं है, खाली बस वो मकान है बस। आज समझ में आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अपनापन लग रहा है, अपनापन लग रहा है। यहाँ के लोगों के बारे में जो मैंने सुना था वहाँ से भी वो है, अपने समाज के लोगों से मिलते भी मुझे बहुत खुशी हुई, जिनसे काफ़ी समय से मैं मिलने की सोच रहा था, जिनसे आज आपके द्वारा मुलाकात हुई। मंदिर का नज़ारा मैंने देखा यहाँ पर, बहुत 300-400 पुराना प्राचीन मंदिर अपना भावड़ी भी है यहाँ पर। तो मेरा तो सब लोगों से, समाज के लोगों से यही निवेदन है कि समाज के लोग एकजुट होते हैं और मंदिर को और विस्तार रूप से बड़ा करें, जो आगे इनके जो भी रेलिंग का काम है इधर, इसके अलावा इनकी जो पीछे जिसको बाड़े के रूप में जो ज़मीन है पुरानी, इस ज़मीन को अपन अपने
अपने अधिकार में लें, चाहे इसके लिए अपने कोई अधिकार में लेना जमीन, क्योंकि ये अपनी प्राचीन संपत्ति है अपने और समाज के मंदिर की स्थिति की जमीन है। अब आजकल तो अपने इतने जागरूक हो चुके हैं कि अपने कम से कम अपने जो हिस्से की जमीन है, अपना जो संपत्ति है। सारे वो देखो जितने भी लगे ना सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए शिला लेख टोटल पक्के। अभी ये जालियां लगवाई हैं, इसको कवर कर दिया, क्योंकि पहले हाँ लोग हाथ अड़ाते थे ना। हाँ 9-9 इंची की पंक्ति है, सब सारे 9 इंच की भी 9 है सीढ़ियों की, फिर आगे नीचे तक 9-9 हेलो हाँ काफी लंबा चौड़ा वो जो पुराने टाइम में जो आसन वगैरह जो होते हैं। हाँ हाँ ये वाली है ना, लो तेरे को जल्दी रिकॉर्डिंग चालू है, नंबर आ रहे ना। क्या नाम है तेरा? काले तो नहीं आ रहे? आ रहे हैं यहाँ पे। काले अब तेरा काम ये। नमस्कार, परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में जनजाति विभाग से हमारे जयंत साहब, जो कि 12 की धरती से हमारे बीच में आए हैं, आदरणीय गजानन जी गलगट है हमारे साथ में। और आज जो है भगवान चारभुजानाथ इस राजसमंद की इस धरती पर आने का अवसर मिला है, जहां पे हमारे समाज के आज से 370 वर्ष पुरानी इतिहास को देखने के लिए आज ये आए हैं। और भगवान चारभुजानाथ का मंदिर किस प्रकार समाज के लोगों ने बनाया, यहाँ राजसमंद में 9 चौकीपाल में उनका किस प्रकार से योगदान रहा, उसके बारे में जानकारी, कितनी प्राचीन बावड़ी जो समाज की ऐतिहासिक बावड़ी है, जिसको राजसमंद के लोगों को पहली बार और समाज के बावड़ी को एक ही दिन में खोद कर और जल पिलाने वाली पहली बावड़ी को भी हमने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। और आइए हम गजानन जी गलगट साहब, जो कि 12 की धरती से आए हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ आकर आपको कैसा अच्छा लगा और समाज के इस प्राचीन इतिहास के बारे में आपको उल्लेखनीय और जानकारी मिली है। क्या लगता है आपको समाज कितना पिछड़ा हुआ और समाज पहले कितना जागरूक था? सर पहले के समय में, सर आज के समय में और पहले की तुलना में तो बहुत सुधार मैंने देखा है कि पहले जो था और समाज में पहले बहुत पिछड़ापन था। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि पहले इतने अशिक्षित होने के बावजूद भी उनमें कितनी एकता थी और कितना संयुक्त होकर उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। और आज के समय में हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हम सब इसका आनंद ले रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब पहले के लोग ही इतने जागरूक थे, सब एकजुट थे, तो उन्होंने उनकी जो संपत्ति थी, उन्होंने जो कर्म किए, तो उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए इनका और आगे विकास करें और सब शिक्षा का स्तर भी हम बढ़ाएं और उन वो जो छोड़ के गए हैं उन अधूरे कार्यों को हम पूरा करें। और जहाँ जहाँ पे गांव-गांव पे लोग रहते हैं उनको शिक्षा का स्तर बढ़ावा देवे और समाज सब एकजुट होकर बीच बीच में मीटिंग करावे। और जहाँ जहाँ पुरानी जगह हैं अपने, जैसे प्राचीन मंदिर है, प्राचीन बावड़ी है, तो उनको उन्हीं कार्यों को हम आगे बढ़ावे, तो इससे में अपना भला होगा, समाज का भला होगा और पूरे भारत में अपने समाज का नाम रोशन होगा। और विशेष आग्रह मेरा ये कि अपन जो भी ओड समाज नाम से जानते हैं, तो सभी अपने नाम के पीछे ओड ही टाइटल लगावे,
उससे क्या, वो इससे इतना फ़ायदा होता है कि बाहर के लोग जो भी आते हैं तो कम से कम ये कि और समाज के लोग यहाँ रहते हैं। बहुत से क्या है अपनी जाति को छुपाने के लिए, जैसे बहुत सारे पैसे वाले बन जाते हैं, आर्थिक स्थिति ऊँची हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि मैं और नहीं हूँ, मेरी तो क्या है, मैं तो राजपूत हूँ, मैं तो उच्च क्वालिटी का हूँ। तो यार अपन ऐसा कर्म करें, सभी समाज बंधुओं से मेरा ये निवेदन है कि अपन ऐसा कर्म करें कि अपनी ओड ओड इतना विकास नाम हो जाए, और ओड का नाम इतना आगे चले, इतना फेमस हो जाए जो आगे भी कम से कम अपन को दिक्कत नहीं आवे। मेरा और मेरा सबसे धन्यवाद मैं इनको देना चाहता हूँ, गोविंद जी सर को, जो इन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ तक मुझे लेके आए, और मैं इनका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आके कैसा महसूस करते हैं आप, क्या लगा आपको यहाँ आके? मुझे एक अपनापन महसूस हो रहा है कि यहाँ पे एक पुराने समय में अपने समाज के लोग यहाँ रहा करते थे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया जो यहाँ तक 14 साल तक वो यहाँ रहे, और उन्होंने 370 अभी 370 वर्ष हो रहे हैं, 370 वर्ष पुरानी ये जो पाल है उसका काम करवाया, इसकी खुदाई भी की उन्होंने, और यहाँ के जो अदर कास्ट के जो भी लोग है वो और समाज के नाम से, हालांकि उस नाम से नहीं है, लेकिन वो ये जानते हैं कि और समाज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, वो बहुत अच्छे लोग थे, उनमें ऐसा ऐसा काम हुआ था। तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ, और दोबारा भी मुझे आने का अवसर मिलेगा तो मैं यहाँ आके और भी नया कुछ करने की कोशिश करूँगा, और मुझसे जो हो सकेगा समाज के लिए वो मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये थे हमारे समाज के प्रिय राजकीय सेवा में पदासीन जनजाति विभाग में आदरणीय गजानंद जी गलगट, जो कि हमसे बातचीत कर रहे थे, उनको इतना अच्छा लगा है। मेरा भी ये मकसद उद्देश्य था कि मैं इनको समाज की प्राचीन धरोहर दिखाऊं, क्योंकि जो भी मंदिर हाल ही में बने हैं वो 25 साल 30 साल 80 साल पुराने, लेकिन ये ऐसा मंदिर था जो 370 वर्ष पुराना मंदिर था, इस पर लगातार 20 वर्षों से ध्यान दिया जा रहा है, और ये बहुत ही आने वाले समय में विश्व में ये मंदिर प्रसिद्ध होगा, और क्यों विश्व लेवल के लोग एक दिन कल्पना करेंगे इस मंदिर को देखने के लिए, कहाँ है राजसमंद, हमें भी एक बार हमारे पूर्वजों के यहाँ जाना है और हमें भी इस मंदिर को देखना। आइए, हमारे साथ में इंजीनियर पद पे अभी कार्यरत है, और आपका कंपनी के जो कंपनी के थ्रू जो यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और आपको आज पूरा एक वर्ष राजसमंद की इस धरती पे आज पूरा एक वर्ष हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं गौतम जी कलिया से, किस प्रकार से ये जो तैयारी की जा रही है और आप क्या देखते हैं, और अब मंदिर पे क्या इतिहास है, और समाज के लोग जिस प्रकार यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगा, आज पूरा एक वर्ष मुझे यहाँ पर अपना बिताया, और जैसा समाज के लोगों से मुझे प्यार मिला और नए नए लोगों से, यहाँ हजारों किलोमीटर दूर आने के बाद भी मुझे ये नहीं लगता कि मैं घर से दूर हूँ या बाहर हूँ, हरियाणा से बाहर हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर हूँ, बिल्कुल अपनापन लगता है। और यहाँ काम सबसे बड़ी बात है, यहाँ से लगभग आज से 370 साल पहले हमारे पूर्वजों ने हमारी मतलब कि हमारी कास्ट के लोगों ने यहाँ पे काम किया था, इस पाल को बनाया था, और मेरे लिए गर्व का विषय है कि उसी पाल पर आज मुझे एज ए इंजीनियर वहाँ पे काम करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी मैं अपने सौभाग्य की बात खुद के लिए नहीं मान सकता। बाकी आज हमारे बीच में गजानंद जी गलगट बड़े भाई साहब हमारे बीच में आया, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। बाकी हमारे समाज सेवी जी हैं ये गोविंद लाल जी ओड, और ये समय समय पर हमारे बीच में आते रहते हैं, और समाज के प्रति जो इनका समर्पण है काफ़ी अच्छा लगता है, और जैसा ये मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल ही जो इनके सपने हैं कि समाज में हमारे मंदिर का नाम होगा, जो हमारा इतना राजसमंद के लोग जो हैं लोकल लोग हैं वो आज भी इस झील को अपनी लाइफ लाइन मानते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब कि वो भी मानते हैं कि अगर ओड समाज ना होता तो इसकी झील की कल्पना भी संभव नहीं थी, तो खुद काफ़ी गर्व महसूस होता है, और भाई के साथ हमारे समाज के लोग बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े हैं, किसी भी तरह का कोई भी सहयोग चाहिए होगा हम भाई के साथ दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जय ठाकुर जी की। तो देख सकते हैं आप कि ये हमारे क्षत्रिय और समाज के कितने जागरूक लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन कोई अच्छी दिशा और निर्देश देने में कोई नहीं मिला, लेकिन अब धीरे धीरे जिस प्रकार से अच्छे लोगों की भूमिका बनती जा रही है, शिक्षित युवा जैसे जिस प्रकार से जुड़ते जा रहे हैं, जैसा कि बताया बड़े भाई साहब ने बताया कि 12 जिले के अंदर 20 गवर्नमेंट कर्मचारी जिसमें टीचर भी है और जयन भी है और भी अलग अलग विभाग में जो है गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि परिणाम में जाने की मेरी भी एक आस बंदी है कि मैं उस गाँव में जाके आपको
को एक एक अधिकारी जी से मिला हूँ, एक एक समाज के जो जितने भी हमारे अधिकारी वर्ग हैं उनके आदान और प्रदान और उनके विचार जानने की कोशिश करें। हालांकि समाज की कहीं पॉजिटिव सोच रहती है, कहीं नेगेटिव सोच भी रहती है, हम सभी का सम्मान करते हैं, हम सभी को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। लेकिन मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि हम क्षत्रिय और समाज के लोग हैं, पूर्व काल से ही हम बावड़ी, कुएं, बांध, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बावड़ियां बनाते आए हैं, और हमारा काम जो रहा है सदियों से श्रम का काम रहा है। और आप देख सकते हैं कि 14 साल की इस कठिन परिश्रम से हमारे समाज के लोगों ने यहाँ आकर किस प्रकार से गधों को लाद कर उन्होंने मेहनत और मजदूरी की, इस मिट्टी को, इस झील की मिट्टी को खोद कर इतना बड़ा टीला बनाया जिसका आज ये राजसमंद की पाल जो है विख्यात है, नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कहते हैं मेवाड़ के शासक छठी पीढ़ी छठा राजा राज सिंह जी एक से महापुरुष पैदा हुए थे, जिन्होंने इस मेवाड़ को बहुत विकास की गति पैदा की, प्रोजेक्ट का निर्माण कराया, और उन्हीं के सानिध्य में चित्तौड़ का निर्माण हुआ, उन्हीं के सानिध्य में उदयपुर के अंबा माता का मंदिर का निर्माण हुआ, उन्हीं के सानिध्य में यहाँ पर पास में द्वारिकाधीश का मंदिर जो कि सबसे बड़ा मंदिर है उसका निर्माण हुआ। तो मुझे लगता है राजा राज सिंह जी के कार्यकाल में हमें बहुत अच्छी चीज़ें देखने, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने क्या किया कि मेहनत तो बहुत की लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं भी उनका नाम दर्ज कराना उचित नहीं समझा। यहाँ तक कि इतिहासकार, वहाँ के तत्कालीन इतिहासकार थे रणछोड़ जी तेलंग जो भट्ट थे, उन्होंने इस इतिहास को लिखा लेकिन ओड़ो का नाम कहीं भी इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं किया। हमें बड़ा दुख होता है कि इतना बड़ा योगदान देने के बाद भी कहीं इतिहास के पन्नों में एक ओड़ शब्द भी लिख देते तो अच्छा रहता। लेकिन धन्य हो राजा राज सिंह जी का, जिन्होंने हमें भूमि प्रदान की, जिन्होंने हमारे मंदिर के लिए पैसा प्रदान और धन देकर हमारे मंदिर को विकास बनाने में राजा राज सिंह जी ने बहुत बड़ा किरदार निभाया। और राजा राज सिंह जी की बदौलत ही हमारे समाज में ओड़ समाज की एक पहचान चिन्ह है हमारा भगवान चारभुजानाथ का मंदिर, क्योंकि वही एक ऐसा मंदिर है जो भारतवर्ष में सबसे पुरानी धरोहर है, जो हमें राजा राज सिंह जी ने हमें सौगात में दी है, उनका बहुत बहुत उनके हमारे बीच में आए हैं। तो थोड़ा सा समाज के बारे में और थोड़ा जागृति के बारे में बात कर लेते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे समाज को, शिक्षा की दृष्टि से आज क्या है समाज की? गोविंद जी सर, मेरा तो ये कहना है कि पहले का जो स्तर था, शिक्षा का जो पहले का स्तर था वो बहुत कमज़ोर था, लेकिन इस समय जैसे मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई है और काफ़ी वृद्धि हुई है, और विशेषकर राजस्थान में शिक्षा का बहुत स्तर बढ़ा है। अपना जो पुराना काम रहा वो श्रम का रहा, तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि श्रम के काम करने से ही काम नहीं चलेगा, अपन को आगे भी बढ़ना है, अपन को समाज का नाम आगे करना है। सभी भाइयों से तो मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अच्छी शिक्षा दे, जिससे अपने परिवार का भी अच्छा भरण पोषण कर सके, राजकीय सर्विस में वो लगे, जिससे समाज का नाम आगे रोशन हो, और जो कुरीतियाँ जो बुराई है उसका भी वो त्याग करे। जैसे अपन जैसे शादी ब्याह होती है उसमें अधिकतर दारू का प्रयोग करते हैं, मतलब नशे का प्रयोग करते हैं, मांस मदिरे का प्रयोग करते हैं, तो उसका त्याग करें, इसे में अपनी भलाई है, क्योंकि नशा ही नाश की जड़ है। यदि नशे का त्याग हो जाएगा, मांस का त्याग हो जाएगा, तो अपने समाज अपने आप ही विकास की प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सब समाज और समाज के आगे बढ़ावे, मेरा यही कहना है। और मैं परानिया गाँव से, बारा डिस्ट्रिक्ट मेरा है, किशनगंज पंचायत समिति का रहने वाला हूँ, गांव परानिया है, तो वहाँ पे कम से कम 80% लोग शिक्षा के स्तर की ओर आगे बढ़ा हुआ है उनका, कम से कम ये मानो आप वहाँ 20 लोगों कर्मचारी की ओर है, जिसमें से चार लोग कम से कम अधिकारी के पोस्ट में, कुछ LDC पंचायत समिति में, कुछ कलेक्ट्री में पोस्टिंग में, कुछ शिक्षा विभाग में है। तो वहाँ की एक ये की भावना वहाँ के लोगों की, मेरे गाँव की, कि जब इनका बच्चा आगे पढ़ रहा है तो मैं भी मेरे बच्चे को पढ़ाऊँगा, कंपटीशन की भावना। तो सारे राजस्थान में भी कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि मेरा बच्चा भी पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो आगे पढ़ाई करके और समाज का नाम रोशन करे। बस मेरा तो यही कहना है कि अपने बच्चों के प्रति विशेषकर ध्यान देवे और सबको पढ़ावे। और गोविंद जी सर हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और समाज वालों से कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज को ऐसा व्यक्ति मिला है जो कम से कम समाज का पूरा ध्यान
आकर्षित है इनको अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और सब ये जा भी जाते हैं, ढाणियों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, विशेषकर इनसे नाराज नहीं हुए कि बहुत से लोग सोचते हैं कि कहाँ से आगे क्या है इनका, विशेष इनका तो पूरा गॉड गिफ्ट है कि ईश्वर ने इनको भेजा है और समाज के लिए भेजा है कि ये और समाज का भला करेंगे, इसलिए सब इनके साथ जा जाए, सब एक साथ होके इनके मीटिंग में शामिल होवे और इनका सहयोग करें। आर्थिक सहयोग नहीं हो सके, कम से कम मन तन के साथ इनका सहयोग करें, बाकी ये अपने आप संभाल लेंगे, इनको आगे हौसला बुलंद करें इनका, बस मेरा यही कहना है और समाज भाइयों से कि हमारा पुराना सहयोग रहा है और समाजों का, जैसे मैं यहाँ भाव इसमें आया हूँ पाल पे, नोचों की पाल के नाम से जाना जाती है कि आसपास इलाके उदयपुर तक के यही जानते हैं कि और समाज के द्वारा इस पाल का निर्माण कराया गया, तो और समाज काफ़ी पुरानी समाज है, ऐसा नहीं कि जो अभी अपना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गजानन जी गलगढ़ साहब का कि आपने हमें इतना सम्मान दिया, उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपने नशे की बात की है, जो नशा हमारे समाज को धीरे धीरे निगलता जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे जस्ट जो वक्ता थे यहाँ राजसमंद के हमारे नारायण जी के जो मित्र थे, उन्होंने इतनी सुंदर बात कही थी कि नशा हमारे भारत में नहीं था, प्राचीन काल में भी नहीं था, लेकिन नशा जो है मुग़ल अपने साथ में लेके आए थे, तुर्क अपने साथ में ये नशा लेके आए थे, और नशे की वजह से आज हमारे भारत में विनाश होता जा रहा है। आज ये नशा इतना हो गया कि हमारे लोग इतना नशा कर रहे हैं, आधे तो मर रहे हैं। अपने नशा कहीं ना कहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा का स्तर को इन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि शिक्षा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए, हमारे समाज का नाम ऊंचा बढ़ाने के लिए अधिकारी वर्ग बनना चाहिए, बिजनेसमैन बनना चाहिए और अच्छा व्यक्ति बन के हमारे समाज की पहचान बननी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। मैं आदरणीय बड़े भाई गजानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जो है पूरी कोटा की धरती से, आप बारा की धरती से ठेठ यहाँ तक आप मेरे एक छोटे से आग्रह पे आए कि आते भगवान चार भुजानाथ का मंदिर कैसा है आप, जबकि एक ही कपड़े की जोड़ी में आए, आपको तो एक दिन के लिए आए थे और आपने कहा नहीं, ऐसी बात है कि मेरे समाज की इतनी सुंदर चीज़ है तो मैं देखने के लिए ज़रूर आऊँगा, ये आपकी सोच बनी है, यही बहुत बड़ी बात है। आपकी सदा समाज के ऊपर परछाई बनी रहे, आप सदा समाज के साथ जुड़े रहें, समाज के बच्चों के साथ जुड़े रहें, समाज की माताओं बहनों के साथ हमेशा आपका समन्वय अच्छा बना रहे, अच्छी अच्छी जानकारी दें उनको, और समाज को बढ़ाने के लिए आप अपने क्षेत्र में भी ऐसा प्रचार करें कि अपने क्षेत्र में भी लोग जागरूक हो गए और समाज की हमें मदद। हम इतने बड़ी तादाद में रहते हैं, भारत जैसे देश में 5 करोड़ की तादाद में रहते हुए फिर भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि 5 करोड़ लोग अगर एक साथ मदद कर दे तो हमारे कितने अधिकारी निकल सकते हैं, कितनी हॉस्टलें बन सकती है, कितनी हमारी जो विकास के कार्य वो हो सकते हैं, लेकिन हमारा समाज इतना बुद्धिमान कहाँ है अभी तक तो धर्मशाला और अंधविश्वास की तरफ भाग रहा है, जो हमारे समाज के लिए विकास का काम नहीं है वो विनाश का काम है। अरे धर्मशाला और बावड़िया तो ये तो बनती रहेगी, ये तो हम कई सदियों से बनाते आए हैं, लेकिन आज हमें क्या बनाने की आवश्यकता है बड़े भाई? गोविंद जी सर का कहना है कि आज किस चीज़ की आवश्यकता और समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें भाई शिक्षा का स्तर आगे बढ़ेगा तभी आदमी के अंदर ये सोच पैदा होगी कि हमें क्या करना चाहिए, नए काम क्या विकसित करने चाहिए समाज के लिए, समाज को किस ऊंचाई तक पहुंचाना है। भाई ये जो नज़ारा है यहाँ का, ये बहुत अच्छा नज़ारा है भाई। पुराने लोगों ने जो किया, हमारे पूर्वजों ने जो किया वो तो किया ही सही, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं वहाँ तक की सोच रखी उन्होंने, तो हम उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कुछ समाज एकजुट होकर अच्छा काम करे, शिक्षा का स्तर आगे बढ़ावे, जिससे लोग आपस में, जैसे अपने 28-29 स्टेट है पूरे भारत में, सब जगह लोग निवास करते हैं, जैसे अपने भाई है गौतम जी कलिया है, तो ये हरियाणा से विराजते हैं और यहाँ इनकी सर्विस है, तो ये सब बहुत सारे राज्य हैं, और राज्य की छोड़ो आप विदेश में भी अपने लोग निवास करते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुछ लोग वहाँ भी रहते हैं, तो वो क्या आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होगी तो विदेश चले गए और समाज को भूल गए। तो मेरा तो यही आगे है कि जो भी अपने में आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होती है आगे बढ़ते हैं, तो समाज को न भूले, समाज का काम करे, आगे समाज को बढ़ावे, इसी में अपना भला है, और अच्छा काम करे, यही मेरा कहना। भगवान चार भुजानाथ हम सब भाइयों की मनोकामनाएं पूरी करें, मैं ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं, और मैं समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि इस बार राजसमंद जल जुलनी एकादशी सितंबर माह में या अक्टूबर माह में आने वाली है, आप सभी काम छोड़ के रात्रि जागरण में अवश्य आएँ,
क्योंकि ये हमारा समाज का सबसे पुराना मंदिर है और यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के 450 व्यापारियों ने आपके भोजन की जिम्मेदारी, टेंट की जिम्मेदारी और समस्त छोटी बड़ी जिम्मेदारी व्यापारियों ने ली है। यहाँ के जो व्यापारी है, दूसरी समाज के लोग है, जो सब सर्व समाज के लोग हैं, वो हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। 4 से 5 लाख रुपये का खर्चा करेंगे तो आप ज़रूर आइएगा और इस इतने बड़े और अच्छे इस फेस्टिवल में हमारी समाज का एकता का आप ज़रूर एक संदेश दीजिएगा ताकि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आपके द्वारा दिया गया हमारे को दान, उस दान को हम उसको सदुपयोग करेंगे। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा दिलाने में पूरा सहयोग करेंगे, उनको आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे ताकि हमारे समाज की और पहचान हो और भी हमारे समाज की उन्नत करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जैसा कि अभी मैं गुजरात में गया था तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी सभ्यता है, गुजरात में मुझे बहुत अच्छा सम्मान दिया, बहुत अच्छे संस्कार दिए और गुजरात में मुझे लगा कि वास्तव में शिक्षा का स्तर भी आगे है और खेल जगत में भी आगे है, साहित्यिक में भी आगे हैं। मुझे लगता है कि गुजरात भी हमारे समाज की एक दिन पहचान बनेगा और एक दिन गुजरात के लोग भी इस मंदिर पे जो है भारी संख्या में आने वाले हैं। तो मैं सभी से विशेष आग्रह करूंगा कि आप तन मन और धन, जैसा भी आप तन से दान कीजिए, धन से दान कीजिए, मन से दान कीजिए, जैसा भी आप दान करेंगे आपका दान का हमेशा सदुपयोग किया जाएगा और भगवान इस प्रभुनाथ चारभुजानाथ की कृपा से हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा दिलाने में पूरा पूरा सहयोग कीजिए और हमारे को जो व्यवस्था स्थापित करनी है, हर ज़िले में हम लोगों को हॉस्टल बनाना है तो उससे बच्चे अच्छे आने वाले समय में अच्छे पढ़ सकते हैं। कोई बच्चे अगर अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या बच्चे नर्सिंग कर रहे हैं, बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम उनको भी ऐसे अवसर प्रदान कराएंगे। हमारे देने वालों की कमी नहीं है, ये गजानन जी जैसे लोग हमारे समाज के बुद्धिमान लोग हैं, हमारे गौतम जी जैसे भाई हैं, हमारे और भी भारत में ऐसे कई हज़ारों की नहीं, लाखों नहीं, सैकड़ों नहीं, करोड़ों की संख्या में ऐसे भाई हैं, उनसे मांग मांग के लाएंगे, झोली मांग के लेके आएंगे, भीख मांग के लेके आएंगे, लेकिन हम अपने समाज के बच्चों को पढ़ाकर अच्छी से अच्छी तालीम देके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, जैसी भी आपके मन है, जैसी आपकी श्रद्धा है, उसकी सेवा हमारे साथ करते रहें और भगवान चारभुजानाथ की आराधना हमेशा करते रहें। भगवान चारभुजानाथ आपके भंडार बने रखे। ये थी रिपोर्ट राजसमंद की इस नौ चौकी पाल से, जो हमने दृश्य दिखाया था पूरा हमारे मंदिर के आसपास का, जहाँ पर हमारे गजानन जी जो गलगट है वो आए, उनको आज पूरा नज़ारा यहाँ का दिखाया है। आशा करते हैं कि आप अपने गांव में जाके हमारे समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और हमारे समाज के लोगों को ये प्राचीन इतिहास के बारे में बताकर उनको भी ज़रूर जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जसमात जी की, जय सगर महाराज की, जय ठाकुर जी महाराज की। तो ये है राजसमंद की नौ चौकी पाल, जहाँ पर हम तीनों भाई खड़े हैं। आप देख सकते हैं सीधा नज़ारा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हर चीज़ अलग अलग सुंदरता है। जैसे यहाँ का नज़ारा जीव के पास देखते हैं, जो समाज द्वारा जो पान खाई गई जिसे लोग का पान कहते हैं, उसकी वजह से ही यहाँ की जो राजा महाराजा रहते थे, उनकी जो किला था और जो उनका भवन था, उनकी सुंदरता बढ़ी है इससे। सिर्फ और सिर्फ उसमें विशेष योगदान रहा और समाज का। ये जो पाल है और यहाँ के जो भवन है राजा महाराजाओं की, जो किला है, ये सब पूरे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ का नज़ारा अलग ही है। मैंने बहुत से किले देखे हैं, लेकिन यहाँ का जो यहाँ पे पाल भी बनी हुई है तो सबसे हट के बनी हुई है, कि सुंदरता को आगे बढ़ाता, इससे बहुत अच्छा सुहाना लग रहा है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं बागोर की ओडो का खेड़ा गांव के अंदर, जिन्होंने
पिछली बार जो सम्मेलन हुआ था जिसमें उन्होंने बलून की सजावट की थी, भाई छोटा भाई गोविंद जिसने पूरा जी जान लगाकर पूरी टीम लगाकर इतना सुंदर पांडाल सजाया था कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ राजसमंद के लोग देखते रह गए थे कि पहली बार इतनी सुंदरता कहाँ से आ गई। तो ये जो गाँव है, ये सुंदरता बनाने वाला गाँव है, वो है बागोर गाँव ओडो का खेड़ा। आज हम दोनों भाई गजानन जी और मैं दोनों भाई आज हम बागोर की धरती पे जा रहे हैं और उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने इतनी सुंदर सजावट की, उनका दिल कितना सुंदर होगा। तो 14,400 रुपये देकर जो उन्होंने मंदिर के सजावट में जो सहयोग दिया, ऐसे लोगों से आज हम मिलने के लिए जा रहे हैं, ऐसे महान विभूतियों से मिलने के जा रहे हैं, ऐसी माताओं से मिलने जा रहे हैं, ऐसी बहनों से मिलने जा रहे हैं, ऐसे युवाओं से मिलने जा रहे हैं और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल से मिलने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ तैयारी भी की है, हम उन बच्चों को प्रोत्साहन भी देंगे और आदरणीय बड़े भाई हमारे जो गजानन जी जो थे को बारा की धरती से चल के आए हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि मैं बागोर की धरती पर जाकर ओडो के उस ओड समाज से मिलकर धन्य हो गया, ऐसे मेरा विश्वास है। वो लोग हमारा स्वागत और सम्मान बहुत अच्छे करेंगे। मैं तो कहता हूँ हमें किसी का लोभ लालच नहीं है, हमें किसी के पांच पकवान नहीं चाहिए, हमें तो पानी पिला देना तो भी हम संतुष्ट कर लेते हैं, हमें तो ऐसा लगता है पानी में एक अमृत पिला दिया। तो मेरा समाज बहुत अच्छा समाज है, सुंदर समाज है, जब भी मैंने कभी आग्रह किया समाज को कभी मना नहीं किया, यही मेरा दृढ़ और निश्चित और संकल्प है। मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर एक प्रयास करूँगा और आगे बढ़ाकर उनको आगे एक अच्छा नागरिक बनाने का और देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ये मेरा मिशन है और इसमें हमारे सब भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। आइए ले चलते हैं बागोर की इस धरती पर जहां हमारे क्षत्रिय और समाज के लोग एक ऐसी विभूतियां रहते हैं जिन्होंने इतना सुंदर काम किया। आइए उनसे मिलाएंगे, उनके बच्चों से भी मिलाएंगे, उनकी एक एक बात को रिकॉर्ड करके आपको जरूर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठाकुर। समाज के लोगों से मिलना है, अब समाज की सेवा करनी है तो समाज के घर घर जाना ही पड़ेगा भाई। गार्ड की रोटी और गोपीचंद तो बनना ही पड़ेगा, संवेदान भी करना पड़ेगा। इसलिए आइए ले चलते हैं आपको बागोर, समाज के लोगों से मिलते हैं, जन जागृति करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप सभी का प्रेम और स्नेह बना रहा तो आगे चलता रहेगा समाज सेवा। हमारे साथ में भाई गजानन जी जो कि बारा से आए हैं, वो भी हमारे साथ में हैं और हम दोनों जो है लगातार, ये रोड दिख रहा ख़त्म न हो रहा है, गंगापुर से जो है फिर बागोर जाएंगे। नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं ओडो का खेड़ा गांव में, गांव बागोर में, और यहां पर राजकीय उच्च, यहां पर क्षत्रिय और समाज के जो बच्चे हैं वो काफ़ी तादाद में यहां पर बच्चे हैं। गुरु जी कितने बच्चे होंगे अपने पास? 30 बच्चे हैं यहां पे। नामांतरण कितने का है? बच्चे आए आज 28 है, नहीं टोटल बच्चे कितने हैं नामांतरण? 30 बच्चे ही हैं, काफ़ी तादाद में है बच्चे, तो यहाँ ज़्यादा नामांतरण कम है, बच्चे आते नहीं हैं इसलिए वो आते ही नहीं है बच्चे। तो ये गांव एक ऐसा गांव है जहां पर बच्चों की पूरी तादाद है और स्कूल में पूरे और समाज के ही बच्चे खाली पढ़ते हैं। माता पिता बच्चों को शिक्षा से मुझे लगता है कि वंचित रख रहे हैं। माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चे को लगातार स्कूल में भेजे ताकि उनका अच्छा भविष्य बन सके, उज्ज्वल भविष्य बन सके। आइए हमारे स्थानीय विद्यालय के गुरु जी से बात करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आखिर शिक्षा के प्रति जागृति क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है? क्योंकि बच्चे माता पिता थोड़ा इनकी, क्योंकि वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी की वजह से बाहर चले जाते हैं तो बच्चे गांव के अंदर ही रहते हैं। वो क्या कभी बेड़ बच्चे बकरी चराने चले जाते हैं या किसी कारण से खेलने लग जाते हैं, क्योंकि मोटिवेट करने वाला कोई है नहीं, इसलिए नहीं आ पाते। क्या लीडर की भूमिका कम लग रही है आपको? लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप नहीं है, यही बात है।
वास्तव में सच बात है कि जब तक लीडरशिप नहीं होगी तब तक काम चलने वाला नहीं है। कोई न कोई गांव का अज्ञावान युवा, बुजुर्ग, माता बहन, जब तक वो अपने हाथ में कुछ ले कबाड़ नहीं लेगी तब तक बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे। गांव के बच्चे शिक्षित बने, गांव के बच्चे उन्नत बने, यही हमारा प्रयास रहता है। आज हम गाँव वालों से, बच्चों से और समाज के माता बहनों सबसे बात करेंगे, आखिर क्यों है शिक्षा से पिछड़े हुए, और शिक्षा की अलग जगाने वाले आज हमारे समाज के एक जयन है जो कि 12 जिले से हमारे बीच में आज आए हैं। उन वो भी आज अपनी बात को जो है समाज वालों के बीच में रखेंगे, किस प्रकार उन्होंने पढ़ाई की, किस प्रकार वो आज सफलताओं के कदम और आज जयन बन के आए हैं। मुझे लगता है कि अधिकारी समाज में अगर इस गांव में आए हैं तो आज कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, और शिक्षा के लिए बच्चों को जो है यहाँ अग्रसर होंगे, बच्चे अच्छे शिक्षावान बनेंगे और यहाँ के बच्चे भी अधिकारी बने, यहाँ के बच्चे भी कलेक्टर बने, SP बने, ऐसी हम मैं कामना करता हूँ। और आज हम कोशिश करेंगे समाज को जागृत करने की। बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु जी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई गजानन जी और हम दोनों देखो गाँव में घूम रहे हैं और सभी माता बहनों से, बच्चों से सबसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव में जागृति किस प्रकार तो चल रहा है हमारा काम देख रहे हैं गाँव ये सब अपने। हाँ, ये हम बागो और ओडो की खेड़ा की जो गाल गलियां हैं उनमें लगातार घूम रहे हैं और हमारे पीछे दोनों दोस्त हैं मेरे, है कि ना मेरे साथ हो, नाम बोलो नी, दिनेश और महावीर दोनों हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हमारे सारे दोस्त हमारे पीछे पीछे हैं, हमारे आदरणीय हमारे अधिकारी महोदय जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। जैन साहब को भी तकलीफ पड़ रही है गाँव का, जैन साहब भी देख रहे होंगे कौन से गांव में आ गए यार, ये कैसा गांव है। इनका नाम गजानन जी नाम है, क्या नाम है? गजानन जी गलगट नाम है, क्या नाम है? इनकी गोद गलगट है, ओड़ है ये अपने। और जैन साहब अधिकारी है ना गवर्नमेंट, क्या है? एक है। हम सब एक है, बोलो। एक है। जय जवान, जय किसान, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। फोटो भी लेते रहना है ना और हिलाना मत बिल्कुल ही।
नशा करना छोड़ दो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो, बाल विवाह बंद करो, बाल विवाह बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, करो भाई बंद करो, नशा करना बंद करो, नशा करना बंद करो, नशे से बच्चे बीमार, बीमार नशे से युवा बीमार, नशे से युवा बीमार, पीने दो सबको, आगे बढ़ने दो सबको, आगे बढ़ने दो, बंद कर दो कमरा, गोड़ो घो मोटो मणन ये दिया। हाथ दिया। कौन? अब ये बताओ कौन मानता है मैं भगवान हूँ? हाथ खड़ा करके बताओ, जो भगवान है वो हाथ खड़ा करना, बाकी मत करना, लो हारी करना ये। नहीं, जो भगवान है वो, बाकी दूसरा नहीं। ओ भगवान वो मुगी में हरे हाथ खड़ा करो, हाथ ऊंचा कर, हाथ ऊंचा कर, ऊंचा कर, बच्चे भगवान होते हैं ना, हाँ तो कौन भगवान मानता अपने आप को हाथ खड़े कि मैं भगवान हूँ? लो सब गन्ना, कितने भगवान है? सारे भगवान है तो, मेरे हिसाब से तो सारे भगवान होने सारे भगवान है तो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बच्चे किसी का बुरा करते हैं क्या? नहीं, नहीं। करते बच्चे किसी को दुख देते हैं क्या? नहीं, नहीं। बच्चे तो हमेशा सच बोलते हैं कि नहीं है? बोलते हैं। बच्चे कभी झूठ बोलते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलते? बोलते सारा पैसा लगने की, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे होते कि नहीं होते? नहीं। तो आज देखो झूठ जो बोलेगा ना तो उसको काला कौवा काटेगा, क्या काटेगा? सच बोलते हैं वो हमेशा आगे जाते हैं और झूठ बोलते हैं वो हमेशा नीचे जाते हैं, ठीक है ना? अभी तुमने सबने कहा ना भगवान है, भगवान किसी को मारते क्या? नहीं। मारते नहीं। तो तुमने कहा भगवान भी हाथ भी करेगी ना, हम भगवान है। अब ईमानदारी से बताओ, हाथ झूठ नहीं बोलोगे, है ना? ये देखो हमारे इतने सारे माता बहने सब खड़ी है, भाई भी खड़े हैं, झूठ कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? तो सच सच बताना, पापा के लिए बीड़ी कौन लाता? हाथ खड़े करके बताना, सच झूठ कोई नहीं बोलेगा। बीड़ी बीड़ी कौन लाता है? देखो रोटी नहीं बात, चलो कोई बात नहीं, रिचार्ज कर दो आज। चलो बताओ तंबाकू मम्मी के लिए कौन लाता है? तंबाकू मम्मी के लिए तंबाकू कौन लाता है? मिराज लंबी बोतल तुम तो नहीं लाते हो? ठीक है, बीड़ी से क्या होता है बताओ? कैंसर से क्या होता है? कैंसर। दारू से क्या होता है? कैंसर। हिम्मत से क्या होता है? कैंसर। ये कौन लाके देता?
अब बताओ अपन को भगवान कहने का अधिकार है क्या? नहीं, 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 नहीं। किसको मार रहे हैं अपन? माता पिता को। माता पिता को। माता पिता को। हम्म। हरे दुश्मन हरे दुश्मन कहते कोई न मारे है परंपरा था तो आज के बाद भूल जाना कैंसर आएंगे ना अभी तो और डाल के मारेंगे ना वो लोगों को ला के मारेंगे नहीं मारेंगे तो ये बीडीपी सिगरेट से नहीं मारेंगे तो तंबाकू ला के मारेंगे तंबाकू से नहीं मारेंगे तो सलम ला के मारेंगे सलम से नहीं मारेंगे फिर से अल्लाह बिल्लू बिल्लू भाई हम अपन ने ठेका ले लिया ना बीडीपी बिल्लू बिल्लू हो गया बीडीपी मर जाएगी ठेका ले लिया कैंसर है वरना गुआड़ी बांध मजी जानी साहब जी बात दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें आया
कल कोटा होंगे। अब हम तो सफर करते हैं, ए मेरे वतन के लोगों, हाथ में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। फौजी है ना, फौजी भाई नहीं अपना, वे फौजी भाई अपने लोगों ने बचाई रहा है। पूरा पाकिस्तान बॉर्डर पर लागा लगा है ना, बांग्लादेश बॉर्डर पर लागा लगा है ना, एक सेना वहाँ है जो पाकिस्तान बॉर्डर पर बंदूक लेकर आके बॉर्डर की फुटी है आपका, एक सेना वहाँ है पानी में, कहीं में पानी में थोड़ी रखे क्योंकि दुश्मन अटैक नहीं करते हमारे देश पे। एक सेना वहाँ है जो आसमान में नहीं है लेकिन आसमान में आपको तक घूमती रहे। आपने प्रोग्राम भी देख लिया, बार प्रोग्राम मेरा हमारा बच्चा प्रोग्राम है ना, सुंदर सुंदर बच्चा बेटा है, वे अपनों ध्यान रख रहे हैं ना, अपने अपनी सुरक्षा मिली है, प्रधानमंत्री का भारत सरकार का बड़ा सत्ता मिला, अपन लोग कहीं कर रहे हैं ये बर्मा भी नहीं जाई रहा है, नहीं जा रहा अपन बर्मा नहीं जाई रहा, आपस में लड़े रहा भाई भाई जमीन वहां पे लड़े रहो है, कोई आवाज लड़े रहो है, कोई लगाए आवाज लड़े रहो है, कोई तो एक दूसरे जबरदस्ती माता पटना लड़े लड़े और मुंगे निकाल आपने देखी रहा है, देखी रहा है अखबार खोले देखे, ओहो आज तो हमारे हैं कोलाना शिला में, भागोर में, उदयपुर में, चित्तौड़ में, अगर जरा मर गया लड़े लड़े आपस में मर गया तो हमारा दिन का भी ध्यान में रखी रहा है, पूरे ध्यान में रखी रहा है, सड़का में ध्यान में रखी रहा है, पानी में ध्यान में रखी रहा है और अपन लड़े लड़ी मैंने मरी रहा हमारे काका का है बस एक ही टीवी है, नहीं दो घर पे कौन रहते हैं वहाँ पे लिया जो अफसर बनो का जैन साहब है, बार गवर्नमेंट अधिकारी है, राजकीय कर्मचारी है ना, ऐसा कर्मचारी बनो का और बने नहीं करोगा गदड़ा हागना झुमरो चलानो कराड़ी चलानी ट्रैक्टर चलानो टेम्पो चलानो बस चलानी एक जमानो हो, एक जमानो हो के छोटा बच्चा बाचे अपन मम्मी है ये देखो बेटा बेटी देखो अपनी मम्मी आपको तो छोटे मैंने बाचे तोड़े ए बेटा रोटी खा ले नहीं रोटी खा आज मम्मी बाचे तोड़े रोटी खा आवाते बेटा रोटी खा ले लेकिन आज मां कटे तोड़ी ना ए मावरे जय गाड़ी में आ जाओ ये बेटो आ जाओ ए पकड़ ना मैं रज को लेवे जाऊं मैं और राम राम का आ जाओ माता बेटो को राम 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 साहब छोटा बड़ा तो आया हूं कॉलेज जिले से आकु लो आकु बाजी को मदन को गोविंद जी सर के देवदर्शन में आया हूं, ये समाज के लोग रहते हैं आपको चलना पड़ेगा तो मेरे का यहाँ की जो यहाँ स्कूल है ना पाँच का स्कूल है तो हम सब पाँच तक तो पढ़ेंगे सही गवर्नमेंट की सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था पढ़ाई पढ़ाई पीने में खाना पैसे लगते हैं किताबें पीने में मिलती है खाना भी मिलता होगा आज सुबह बाद फिर आप बाहर जाओगे आठ तक वहाँ भी आपको फ्री में पढ़ाई मिलेगी पैसे लग रहे हैं क्या किताबें के पैसे लग रहे हैं सिर्फ ड्रेस के लग रहे हैं
कॉलेज में भी फ्री में पढ़ाई हो रही है तो अब आगे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तभी तो समाज मजबूत होगी। तो सभी बच्चों से मेरा यही निवेदन है हम पढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे गांव में भी क्या है तुम्हारी जैसी स्थिति थे हमारे गांव भी मजदूर वर्ग से था तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े कुछ बच्चे पढ़े हमसे पहले भी कुछ पढ़े वो आगे बढ़े वो उधर ध्यान दो साहब क्या कह रहे मास्टर बने उधर ध्यान दो मास्टर बने कुछ उसके बाद वो कुछ इंजीनियर बने तो हम भी उनके देखे देख हम भी आगे बढ़े। तो आपको ऐसे ऐसे धीरे आगे बढ़ना पढ़ना माता पिता का नाम रोशन करना करोगे ना नाम रोशन गलत चीज इनको लाके नहीं दोगे यदि आपसे जबरदस्ती मंगवाते ना कि दारू लाओ बीड़ी लाओ तो आप खाना मत खाना पानी मत पीना तो ये जब इनको दया आएगी ना तो अपने आप ही छोड़ देंगे। तो सभी पढ़ोगे आज तक पढ़ोगे राहुल इधर आ जा आज तक नहीं लास्ट तक राहुल इधर आ पकड़ हाँ ठीक हो गया इधर से पकड़ना ये अच्छा रहा नहीं जानो है रज को लगो जान रज को बाद में ला दिए क्योंकि दिखना चाहो सही हाँ बस आपका क्या नाम है जी बस पीरू पीरू और आपका भाई पीरू इनका नाम पीरू मानना है दो पीरू से बेटा साहब की बात सुन ली चलो एक गाना और गाएंगे है ना हम लोग ऐसे दीवाने जोर जोर का बोलो जोर जोर गड़ा पेट की सकते कचेरा गाना गाओ ना सूरज खिला एक दिन शाम को ढलता है नफरत के शोले दिल में है हम उनको बुझा कर मानेंगे खातिर दुनिया में शेखर ने गोली खाई थी सरदार भी चढ़ा था सूली पर सच्चों ने जान गवाई थी हम भी तो किसी से कम भी नहीं तूफान को उठा कर मानेंगे मंजिल को पाकर मानेंगे हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे भारत माता की देखो हम लोग ऐसे दीवाने हैं दुनिया को बदल कर दुनिया ने बदल दी घर में तो बदल ही नहीं पाई रहा घर में तो लाई लाई घर में तो लाई लाई कहीं कर गया किधर मारी ना घंटा हत्या कर दिया घड़ी जन्म दी तो नौ महीना पेट में राखी बड़ी माँ ने विमल लाई ऊपर थपड़ा ना मैंने नहीं लाया तंबाकू लाई हटो हटो गाड़ी हट जा गलत है तो गाड़ी खेलते खेलते रात हो जाती थी तो घर आके लाते खानी पड़ती थी घर आके लाते खानी घर आके लाते खाते थे
बहुत याद आते हैं बचपन के दिन जब हम हाथी देखते रात पड़ जाती थी तो घर आके लापे याद है ना। चलो तो हम जब शेर करते थे ना तो बहुत सारे हमारे साथ पापा की मम्मी के लाते वाते सब पड़ती थी, ठीक है ना। हम लोग कभी मछली पकड़ने जाते थे, कभी कीकर चोर बनोगे और फिर मेरे पास ही आ जाओगे, कहाँ होगे ड्यूटी में, क्या हूँ बता। मैं सेंट्रल जेल में ड्यूटी करता हूँ, कहाँ पे करता हूँ, जहाँ पर कैदियों को लाया जाता है जो अपराध करते हैं, छोटे बच्चों को मार कर आते हैं, बच्चों के साथ हिंसाएं करके आते हैं, महिलाओं को मार के आते हैं, और वो बच्चे वो सारे मेरे पास आते हैं सेंट्रल जेल में, और सेंट्रल जेल में आने के बाद मैं उनको सुधारता हूँ, क्या करता हूँ। तो पहले ही क्यों बिगड़े, पहले रहते यूं तो तब ले जाते, क्यों पहले से अगर अच्छे रहते तो घर में झगड़ा होता है क्या। झगड़ा किसकी वजह से होता है बताओ, घर में बच्चों की वजह से, एक नशे की वजह से होता, नहीं होता नशे की वजह से, खात्मा करना है। अब बात बता रहा हूँ बहुत काम की, ठीक है, सुनना। बच्चे किसकी संपत्ति होते हैं, माँ बाप की संपत्ति होते हैं, सरकार की संपत्ति होते हैं, बताओ। माँ बाप बजगिर क्या स्वाचार है, महाराज जी को लेने जाना है। राष्ट्र की संपत्ति होती है, किसकी संपत्ति होती है, राष्ट्र की संपत्ति होती है। इधर इधर शरीर में घंटी होती है हमारे ना, एक घंटी ऐसी होती है हमारे भगवान ने दी है ना, प्राकृतिक घंटी हो क्या। अभी मैंने इसको यहाँ लड़ाया, ठीक है ना, ये देखो हाथ लड़ाया, क्या लग रहा है बताओ, क्या लग रहा है इसको बताओ, क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैंने यहाँ लड़ाया, बोल क्या लग रहा है, इसको पूछो क्या लग रहा है, बुरा लगा ना, लगा ना इसको, दिल धक-धक-धक-धक करने लगा, गलत जगह हाथ उड़ा दिया है ना। अगर मैं इसके चार अंगों पे, होठों पे, चेस्ट पे, पीछे या चार जगहों पे हाथ उड़ाता हूँ तो गलत स्पर्श होता है, क्या होता है, ये गलत स्पर्श है। कोई अगर हाथ उड़ाता है तो उसकी नियत ठीक नहीं है, क्या नहीं है, जानना। वो टीचर भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, या हमारे पापा को कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई भी गलत हाथ उड़ाए तुरंत किसको बताना है, माता पिता को तब तक बताना है तब तक वो तुम्हारी बात सुन नहीं ले, कैसे जैसे बताना है, ऐसे हाथ पकड़ के पापा उसने मेरे हाथ उड़ाया, पापा उसने हाथ उड़ाया, तब तक वो सुन नहीं ले, ठीक है ना। तू बैठा उठ, बैठ रहे, एक बार थारा फोटो ले लूंगा, माफ जी ले लो, ले लो बड़बो जन में कौन की और उठ, एक बार बैठ, अरे इतना बड़ा पहाड़, पहाड़ी पे पेड़, पहाड़ी पे पहाड़ी पे हाथ पूरा आना चाहिए, पहाड़ी पे हरियाली हरियाली जमकर मोटर तो साइकिल
मजा पूरा लेना है। रंग रूप में सुभाष चाहे आए के
उधर देख के बोलो उनकी तरफ। रंग रूप वेश बाजा चारे अनेक पेला गुलाब जोई चंपा चमेली चके मिल गई सागर में हुई सब एक इंद्रदेश के निवासी सभी जने के रंग रूप वेश बाजा चारे अनेक खाली बजाओ जोर से बहुत अच्छे जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी कुकर में डालो पक जाएगी। जोर से नाम बता क्या मेरा नाम सनी है जोर बोला रहे सनी है कहीं ना पानी में संगीत किसी चादो ज्ञान तेरी है जागा है इंसान जमाना बदल रहा टूटा है तूफान जमाना बदल रहा उसे देखो ऊंचे महलों वाले दो दिन छोड़ दो फोन में तो यूं नंबर बदल रहा टूटा है तूफान जमाना बदल रहा दे दो ना आप चॉकलेट दे दो हाँ दे दो एक एक दे दो अभी तो और दे देंगे महिलाओं को सबको दे देंगे आप भी उठी जाओ ना बैठो नहीं बैठे वो क्या कह रहे बैठे तो जाओ उठी भाई जाओ दो मिनट जाओ कहीं बात करनी है आई जाओ आई जाओ आई जाओ अब की बात देखो अब की बात सबको रात में आना है ठीक है ना आप अच्छे कार्यक्रम होगा ना आप लोग है ना आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद अपने माता पिता ने की जो बहुत अच्छा काम की और आवारा समय मैंने और अच्छा लगेगा है ना अरे भाई धन्य महाराज रीबा का तो खंडाय मामा से बड़ा गिरिया मैं अंदर गाजी उठे घर में सासु काम करे दिनेश मार लेना चलो मेरे धर्म स्थलों को आगे बढ़ जाएगी बताओ
व्यवस्था करना पड़ी है ना, ड्रेस सीरी जूता सीरा कपड़ा सीरा धर्मशाला में की करोगा? मैं तो पक्ष में भी नहीं हूँ धर्मशाला रे, मैं तो पक्ष में हूँ थोड़ा मासूम में व्यवस्था करोगा तो काले आगे बढ़ेगा। नहीं करना है गुंडा करने नशो घर में नाश करे, गंडे घर में नशो करे, वे गंडे कर रहा पूरा नाश भेजा, चाहे वो आदमी करे चाहे वो लोग ही करे। फिर भी अब ऐसा मुरुख और झटबंदी लोग अपने खबर है नशो कोशिश करो आप राजसमंद में अच्छो काम की तो आप पया भी मिलिया सजावट भी की थी, लेकिन अपने मन ने अगर सजावट नहीं करोगा अपनी आत्मा की सजावट नहीं करोगा तो वहाँ सजावट काम की कोई नहीं है। सब पहला सजावट ये है सब बड़ी सजावट है, अगर आप नहीं बेच सके अच्छा नहीं बेच सके तो मैंने की जो कड़ी कड़ू भीख मांगी लूंगा, लेकिन अनार बात व्यवस्था कर सकूँ मोदी अच्छा तो पावर रखू चतरो भी चाहे 1,000, 10,000, 20,000 हमारा बेचारे बेग कपड़ा लत्ता सब ले सकूँ, लेकिन गांव वालों को भी फर्ज बने पैसा 500-500 रुपया धर्मशाला में ले लीजा, धर्मशाला वालों की आगे बढ़ जाएगी बताओ नहीं बढ़ जाएगी आगे, कोई धर्मशाला वालों को आगे नहीं बढ़ेगा, ये 500-500 रुपया आना पर लगा था ये कमल आगे खुली निकाले ये शोभा देगा बेटी लगी। हाँ मेरी भैया ये अगर बढ़ती तो बने कोई डॉक्टर बनती कोई नर्स बनती, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि ये मजदूर होने की देखो आप अब लगेगी आपने अच्छो लगेगी बताओ अपने लोगों ने हम जाओ शराब बंद कराओ नशा बंद कराओ नशो बाला देश वाला लोग लाया और कॉफी जैसा चाय जैसा लाया आदमी का पीपी नाल अपना फाड़ी जा चला, थोड़ा समझ वाली जरूरत है थोड़ा विचार कर वाली जरूरत है, अगर ये बाल गोपाल अगर बन गया इस तरह नहीं बने, एक पड़ोसी को कर्तव्य है वो 3 घर में ज्यादा तक बच्चा स्कूल नहीं जाए बड़ा तक घर नहीं जाना चाहे, पहला बच्चा स्कूल जाएगा उन्हें बाद में घर जाऊंगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दो, आप लोगों का कर्तव्य है आप सब बच्चा ने स्कूल भेजो, अगर स्कूल में मैंने व्यवस्था नहीं है तो माने भैया ने बोलो आप नहीं कर सको तो माँ करेंगे कई बात नहीं, शिक्षा रे बातें कोई कमी नहीं है, शिक्षा रे बातें सरकार भी दे शिक्षा रे बातें तो दान दादा की बहुत बड़ी लगी, आप मांगो तो सही अपना लोग पैदा कर रहा है बड़ी मूर्ख रहा है बात है अपना नाम रखवा 500-500 रुपया बड़ी कोई फर्क बड़ी कोई फर्क मोटो नाम करोगे अगर अगर नाम करना तो बाल को पाना पड़ा कल बढ़ेगा लिखेगा अपना नाम रोशन करेगा कल बच्चा बढ़ावेगा कल कोई SP बनेगा कोई DSP बनेगा कोई कलेक्टर बनेगा कोई SP बनेगा आप अगर मन दुखी होता है ना आप रहे बाल गोपाल अगर के अधिकारी बनी जाएगा तो आप कटे मन दुखेगा समाज की शोभा बढ़ेगा अटे पुलिस लाग जाएगा अपनी व्यवस्था देगा लोग पर समाज रहे लोग में अपनी शोभा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा विचार करवाई जरूरत है बच्चा ने भेजवाई जरूरत है, हर बच्चों मारो भाई हर बच्चों मारो बेटो यू करने चलो ऐसा नहीं है कि यो तो वंडो पराया रहो यूं मत करो, अपना बच्चों है अपने काका रो है भाई रो है भाई रो है कोई अनाथ है कहने माँ बाप छोड़ने पड़ा गया अपने गले लगाओ और ये बच्चा कल बड़ा वेगा तो आप भी जय जयकार करेगा, बाकी कल ये मोटा वेगा ये कले मैंने गुंडा मोबाइल ही बनेगा तो आप भी बदनामी करता पड़ेगा दूसरा भी बदनामी रहेगा और लगेगा कहीं यू पया देव यू वाटो कहीं समाज के आगे बढ़ियो आज दिन तक नहीं बढ़ेगा अपना लोगों ने कोशिश करनी पड़ेगा अपना बच्चा ने काबर ने हाउ बनाओ मुंगेरी लाल जो हफ्ता देख रहे हसीना यदि अपने घर का बच्चा बढ़ेगा लिखेगा समझदार बनेगा आप देख रहे हो स्थिति आप छोटी छोटी चीजा नशा पता चीजा बच्चा गुड़ मंगाई रहा बिमल गुटका सिगरेट ये कभी झूठ नहीं बोले, ये बच्चा हमेशा भगवान का रूप है परमात्मा का रूप है कभी झूठ नहीं बोले, ये तो ऐसी पूरी बेली है जनी में मिलाओ वनी में मीठी जनी में मिलाओ आप शक्कर में मिलाओ तो मीठो चावल में मिलाओ आप भले कड़वा लिंबोले में मिलाओ तो जैसा बच्चा जटी धकेलो वटी धकेल जाएगा बच्चा तो अपने और महिला जो अपने घर ने हम जैसे के वो दुनिया में कोई नहीं हम जैसे के घर में मैंने कोई झगड़ो मत करो अपने मैंने बहन बेटी कोई भी है मैंने क्षमा करो उनको अगर घटा हाथ गलती भी की थी मैंने क्षमा दान दो जवाब बेटा सर गलती भी की थी मैंने आमनो मत करो अपनी दंड मत लगाओ पेलेंटी मत लगाओ अरे करो समाज कभी आगे नहीं बढ़े समाज पाची फौज है बटे बड़ा अगरबत्ती लगा वाली जरूरत नहीं है तो वरना अगरबत्ती लगे जा थोड़ी तो देखो यदि प्रभु अपने कृपा भी है अपने समाज में तो मेहरबान है तो थोड़ा सा सदुपयोग करो अपने समाज रो ये देखो अपने हाँ में देखो गजानन जी अफसर बनने आया है कि अपने समाज में इंजीनियर है अपने समाज में मैंने इतनी शोभा बननी चाहे कि द्वारा लाभ चाहे कहीं गाँव है बागोर घोड़ा घड़ो कहीं गाँव है अरे मैंने कहा अच्छा बच्चा है आज मैंने देखो तेरी आत्मा दुख रही आज भी अपना लोग आदिवासी जो जीवन जी रहा है आदिवासी नहीं मैं जीवन बच्चा बनी नहीं रहा है आज आदिवासी बच्चा बच्चे देखो बस्तिया में स्मार्ट बच्चा मिलेगा आपने बिल्कुल खिलखिलाता बच्चा है लेकिन आपने देखो बच्चा देखो कई हालत कर किया आज रो जसो बच्चो है कल वसो देश रो भविष्य बेगा अगर आज रो बच्चो हुगलो है तो कल रो भविष्य भी
तो अपने होश में पड़ी, आप लोग भगवान चार पूजा रात्रि जय जयकार करता रहिजो, आगे बढ़ाता रहिजो। अगली बार जो भी सहयोग आएगा हमारे कोड़े, मैं आपने वादो करूँ जितना सहयोग आएगा हमारा बच्चा नाते कपड़ा लद्दा ड्रेस भगवान चार पूजा नात्र आपने सब भेज दूंगा। लेकिन विश्वास रखू, मानवता पे विश्वास रखू, जो इंसान आगे बढ़े आगे बढ़ूंगा। आऊंगा समय महीने, अगर अपने समाज में कोई मरना चाहे, एक बार मारो मिशन कही है कि समाज संगठित करवा निकलो, कितना समाज का बच्चा है, कितना लोग है, सभी हाल में जीता है। यदि डेटा पूरा हो जाएगा अपने सबने मिलने मेहनत करनी है, सबने मिलना है, अपने बच्चा ने आगे बढ़ावना है। ठीक है, बोलो भारत माता की। आदिवासी का बच्चा, मेघवाल का बच्चा, मोची का बच्चा, धोबी का बच्चा, कालबिल्लिया का बच्चा, नट का बच्चा, काशी का बच्चा, सासी का बच्चा, सब बच्चे की सेवा में करूँ। बच्चा के लिए हमारा कोई भेदभाव नहीं, सब बच्चा हमारे। अच्छा बड़े लिखे करूंगा तो वहाँ से बहुत मदद करूंगा। आपका खूब धानी सेवा करेगा, खूब महिला लाल है सब देश में। ठीक है ना, अच्छी पढ़ना, बस निवेदन यू है कि अच्छे पढ़ना, लड़े मत करना, झगड़े मत करना, अपने घर में गलत चीज का उपयोग मत करने देना, चर्चा मत करने देना, आप लोग बढ़िया बैठा कर। ठीक है ना, नमस्कार मित्रों। आज हम पहुँचे हैं बागोर गांव में, और बागोर में जो ओडो का खेड़ा गांव है, लगभग यहां पे 100 से ज़्यादा जो है घर हैं, और यहां पे जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, आज इनके साथ थोड़ा सा समय बिताने की कोशिश की है। आज इनके साथ किस प्रकार से तालीम में इनमें बढ़ोतरी हो, शिक्षा की दृष्टि से कैसे ये आगे बढ़े, वैचारिक दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, सामाजिक दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, और सांस्कृतिक जगत में ये अपना नाम कैसे रोशन करें, इसके लिए आज हमने इनके साथ में बहुत ही खेल मनोरंजन। इधर आओ ना पीछे, बेटा पीछे आओ ना, मैंने कहा आगे मत जाना, उधर इधर आओ, पीछे आओ ना, इधर सब पीछे आओ ना, पीछे उधर क्या फोटो, इधर आओ, इधर आओ पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे बेटा, और पीछे, तुम्हारा फोटो नहीं आया। स्थिति है ये आपको सामने दिखाई दे रही है, बच्चों के वस्त्र ठीक नहीं है, बच्चों की रहन सहन ठीक नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चों के माता पिता जो है पूरा सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब कई तरह की जो है यहाँ पे जो है दिक्कतें हो रही है, कमियाँ हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में किस प्रकार से हम एक शिक्षा का अलग जगह है, किस प्रकार से बच्चों को हम शिक्षा के लिए अग्रह कर सकें। यहाँ पे हमने स्कूल प्रशासन से भी बात की है, उनका भी ये कहना है कि परिवार वाले जो है बच्चों को भेजते नहीं हैं स्कूल, और कई प्रकार की जो है समस्या है। हम चाहते हैं कि बच्चों को बेहतर तालीम मिले और समाज इसमें सपोर्ट करें। कोई भी बच्चा जन्म से अपराधी नहीं बनता है, अपराधी या बच्चों को विधि से संघर्ष करता हुआ बालक है जो समय के हिसाब से वो उसके अनुरूप ढल जाता है, और बच्चों को अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे तो बच्चे निश्चित रूप से हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे, बच्चे आगे चल के हमारे भविष्य का बनेंगे, और यही बच्चे हमारे समाज का एक दिन गौरव बनेंगे, हमारा नाम बढ़ाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ आज हमने बागोर गाँव में पहुँच कर यहाँ ओडो के गेड़ा में आकर बच्चों को जानकारी दी। मेरे साथ में मेरे भाई जो कि कोटा 12 की धरती से, आप परण्या की धरती से आप आए हैं, आप गवर्नमेंट कर्मचारी में, आप जनजाति विभाग के अंदर जो है जयन पोस्ट पे, आप जयन पोस्ट पे जो है आप पदासीन हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला और आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को जानकारी दी, हमारी माता बहनों को आपने अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी है, समाज को विकास के लिए आपने जानकारी दी है। मैं आपका सदा ऋणी रहूँगा, आपने यहाँ आकर जो जन जागृति के लिए सहयोग दिया है, मैं इसका सदा आभारी हूँ।
और मैं चाहता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी ने इस गांव की स्थिति को देखा है, इस गांव की स्थिति को महसूस किया है। निवेदन है कि आप वहाँ पर भारी संख्या में रहते हैं, अच्छे शिक्षित भी हैं, आओ हम सब मिलकर एक दिन इस गाँव में एक ऐसा काम करें कि ये गाँव वाले भी कहे वास्तव में हमारा समाज कितना अच्छा समाज है, इनको भी हमारे और समाज के ऊपर गर्व की बात होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया आपने किस प्रकार से आज भी जनजाति जैसा जीवन, आदिम समाज की तरह जीवन जी रहे हैं। ऐसे समाज में हमें जन जागृति करने का बहुत आवश्यकता है। हम लगातार गांव-गांव में जाके डांड डांड में जाके जन जागृति का प्रयास कर रहे हैं, नशे के प्रति बहुत लोगों को सचेत कर रहे हैं कि नशा छोड़िए, अपने घर को जोड़िए, अच्छे विचार रखिए, अच्छा विचार मन में लाइए और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। धर्मशाला मंदिर बनाने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा, अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने से बढ़ेगा। मैं निवेदन एवं प्रार्थना करता हूँ सभी समाज के लोगों से, जहाँ जहाँ हमारे समाज के बच्चे रहते हैं उनको शिक्षा में मदद कीजिए, तन मन और धन देकर उनकी मदद कीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें और ये आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत अच्छा संस्कार और सम्मान दिया इस गाँव में, सभी माता बहनें मिली है, अच्छी अच्छी चाय पिलाई है, पानी पिलाया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गोविंद जी सर के साथ ओडा का खेड़ा गाँव का डिवीजन हमने यहाँ विजिट की, सब लोगों से मिले, हम सभी बच्चों से मिले, तो इनके बीच आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो रहन सहन हालांकि बहुत जनजाति लोगों जैसा है, लेकिन मुझे उम्मीद है, इनसे पूरी आशा है मुझे कि इनमें बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। जिस प्रकार हमने समझाया और जिस प्रकार लगातार गोविंद जी उदयपुर से विराजते हैं, ये लगातार यहाँ का दौरा करते रहते हैं और इनका बहुत ही योगदान यहाँ पर रहेगा, आगे भी ऐसा चलता रहेगा। हमने बताया कि इन बच्चों को आगे शिक्षा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके ये आगे बढ़ेंगे। और इनके माता पिताओं से और मेरे भाइयों से मैंने निवेदन किया, आग्रह किया कि इनको आप आगे बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो। जैसे यहाँ तक 8वीं तक स्कूल है, 5वीं तक स्कूल है, यहाँ तक 5वीं तक पूरी होने के बाद में दूसरे गांव में 8वीं तक है, तो वहाँ आगे भेजो, क्योंकि सरकार की तरफ से मुफ्त में सेवाएँ दी जा रही है, शिक्षाएँ दी जा रही है, किताबें की व्यवस्था फ्री में दी जा रही है। ऐसे सरकार बहुत योगदान दे रही है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हमारा पूरा आपसे यही आग्रह है कि आप बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूकता लावें और आगे भी समाज में इसी प्रकार एकता बनी रहे। जैसे राजसमंद में जो चतुर्भुज नाथ मंदिर है, जिस प्रकार आपने पहले भी अगले साल या इससे पहले भी आपने बहुत सहयोग दिया, गोविंद जी का भी सहयोग दिया कि आपने जो वहाँ पर रैली निकाली, जो प्रोग्राम किया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिया आपने वहाँ पर। राजसमंद के लोगों ने मुझे बताया कि आपके समाज के लोगों ने जिस प्रकार प्रोग्राम दिया वहाँ पर, हमें बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार आप भी आगे भी इसी प्रकार अच्छा प्रोग्राम देते रहिए, तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप आगे भी इसी प्रकार वहाँ पर सहयोग करें, काम करें, अच्छी चीज़ झांकियाँ बनाएं, रैली में भाग लें। और मैं भी मेरे गांव और मेरे ज़िले पे जाके सभी से निवेदन करूंगा, भाइयों से बताऊंगा कि वहां पे एक वड़ोगा खेड़ा गांव में जहाँ हम जाएं और उनको भी इसी प्रकार शिक्षा के प्रति जागरूक करें, उन्हें बताएं कि शिक्षा क्या चीज़ होती है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है, देश में नाम रोशन कर सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी एकजुट होकर अगले साल जो सितंबर अक्टूबर में जल झूलनी एकादशी का जो मेला लगता है चतुर्भुजनाथ मंदिर में, वहाँ सब आवे पधारे और यहाँ के ओडो का खेड़ा जो गांव है, इनसे भी मेरा ये निवेदन है कि आप इसी प्रकार वहाँ पधारे और लगन से, आर्थिक से नहीं, कम से कम मन से तो काम करें, मदद करें, तन से काम करें, इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो बच्चों को देख रहे हम, इनका पहनावा, इनका रहन सहन का तरीका, मैं मानता हूँ कि पिछड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह हम इनको जो भी आर्थिक स्थिति में जो मजबूत हैं, बड़े लोग हैं, यदि हम इनको देखेंगे, क्योंकि ये हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, ये हमारे ही आंगन के फूल है, ये हमारे ही फूल है, यही आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरा सबसे यही आग्रह, बड़े लोगों से आग्रह, जो करोड़पति है, लखपति है, ये इनको देख के बहुत से क्या गणना करते हैं कि हमारे समाज के लोग हैं, कैसे लोग हैं, तो दूरियां बनाने लगते हैं, ऐसे काम नहीं चला है। क्योंकि राम भगवान ने भी एक जो भील नीति उसके उठे बोर खाए थे, क्योंकि वो भी एक भील नीति नीचे जाती की औरत थी, उसके उठे बोर खा सकते हैं। तो हम भी हमारे समाज के गरीब लोगों के साथ रह के उनको, उनका जज्बा आगे बढ़ाए, उनका साहस बढ़ाए, सामाजिक स्थिति देखो, हर शिक्षा का स्तर देखो, हर चीज़ में मदद करनी चाहिए हमें। बस यही मेरा आग्रह गोविंद जी से।
कि आप लगातार यहाँ पे दौरा करते रहो और हमें भी बताते रहो, हमें भी यहाँ पे क्या के लिए लाते रहो। मैं आया हूँ और सबने जन जागृति के लिए स्कूल में गयो, बच्चा ला रहे बढ़िया प्रोग्राम, सब बच्चा ने समझाया, गांव ने समझाया, पर बाबू जी दारू छुड़ानो पड़ी, सब दारू छुड़ानो पड़ी, ये दारू नहीं छुड़े जितने समाज आगे नहीं बढ़ेगा, समाज नहीं बढ़े। और अब देख लो आपा बच्चा रहा आराम नहीं हो चीरा काके लागे मत पहली क्यों ने नया बता अपने सर दे रहे परे पेट बढ़ाओ शाम का बढ़ाओ बाबू जी पूरी मदद करूंगा, लेकिन आप सबने पीनो बंद कराओ, जितना ब्याज आएगा मैं भीख मांगी लूंगा, मैं गेरू कटू भी लाऊंगा लेकिन बड़े दूंगा ना। हाँ। बस ये निधन निश्चित कर देने मैंने भाया गोभी नब्बे हम सुनो बारा जिले का। हाँ सुनो बारा जिले से पराने गांव से आया हूँ, यहाँ से करीब 500 किलोमीटर आ गए। अच्छा 500 से भी ज़्यादा, 550 किलोमीटर आ गया है। तो मैं क्या यहाँ उदयपुर में हमारा मेन ऑफिस है, सर्विस करता हूँ गैया में तो उदयपुर आया हुआ था, तो मैंने गोविंद जी सर से कॉन्टेक्ट किया, मैं पहले दिन के संपर्क में रहा हूँ। अच्छा इन्होंने इनके घर पर मैच हुआ था, मैच हो रहा था रात्रि। अच्छा तो इन्होंने कहा कि यार अपन एक गांव है ओडो का खेड़ा, वहाँ चले गए, अपने समाज के लोग हैं लोग हैं उनसे एक बार मुलाकात करेंगे, वहाँ शिक्षा के स्तर काफ़ी कमज़ोर है, समझाएंगे जागरूक करेंगे। आप नाम बताओ ना उन्होंने, आपका नाम क्या? हमारा नाम तो मेघराज, मेघराज, मेघराज। मेरी गोत्र गलगट है, आपकी क्या गोत्र? मलवान, मलवान गोत्र है आपकी। अच्छा तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चा तो चार आबट दो शांति जा, तो पढ़े लिखे कितने हैं आपके घर पे? पढ़े लिखे तो दो हाल भी शांति। अच्छा पढ़े लिखे तो बच्चों को बेचते हैं अपने पोते, उनको पढ़ने के लिए बेचते नहीं बेचते? पोता तो आ जाए सबने बनाना, हमारे जो माता पिता है ना इनके भी है मेरे भी है, आपके जैसे ही है, आपसे भी ज्यादा गरीब होंगे, पत्थर तोड़ के बेलदारी के लिए मजदूरी के लिए उन्होंने पैसे के जहाँ खर्च करना था वो पैसा खर्च किया, जैसे नहीं क्या कि पैसे खर्च करके ला रहे लोगों मजदूरी कर रहे 500-600 कमा के ला रहे, दारू पी रहे, मास्क खा रहे, उसमें खर्च सट्टा गए, ऐसा काम नहीं किया उन्होंने, हमें आगे बढ़ाया आज मंजिल पे। तो आप भी भाई आप ही खुद अपने जो पैसा आ रहा है आपके बच्चे जैसे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो पैसा काम की जगह में काम आना चाहिए, काम की जगह में काम आना चाहिए, पैसा पढ़ाई में खर्च हो रहा हो। आजकल तो सरकार बहुत सारी सुविधा दे रही है, तो आज हम पहुंचे हैं ये ओडो का खेड़ा गाँव है, बागोर में पड़ता है, आज हम जन जागृति के लिए यहाँ पर आए हैं और आदरणीय बाबू जी मेघराज जी से मुलाकात हुई है। मैं तो चाहता हूँ कि बाबू जी आपके आशीर्वाद बना रहे, ये हमारा जो एक तरह से देखा जाए तो कहीं कहीं तो समाज अच्छे विकास की तरफ गया है। हाँ। लेकिन कहीं कहीं समाज बहुत दूर दशा में है। मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आप को बदलिए, आप अपने आप को समझिए, हम क्षत्रिय ओर समाज के लोग हैं, हम क्षत्रिय ओर समाज के लोग नहीं, हम खतरा बन गए। हाँ खतरा बन गए, हम क्षत्रिय बने, क्षत्रिय बने तो क्षत्रिय बने के आप कहाँ खा पी खा शाम का बड़ा कैरी क्यों राणा कैरी क्यों कैरी। कितना बुरा लगता है जब समाज में इस तरीके की बातें होती है, एक समाज दूसरे समाज को आगे बढ़ाता है, एक भाई दूसरे भाई को आगे बढ़ाता है, कितनी दुर्दशा हमारा समाज है कि हम अपने भाइयों को नीचे गिराते हैं, उनको नशे में लिप्त कर देते हैं, उनको पीना सिखाते हैं, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल देख कर सीखते हैं, क्या शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत, उनके सामने गुटखे खाते हैं, उनके सामने तंबाकू खाते हैं, उनके सामने बिमल खाते हैं, उनके सामने दारू पीते हैं, उनके सामने सलम पीते हैं, क्या थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि ये समाज को आगे बढ़ाना है, ये बच्चे आज देखेंगे कल ये बच्चे ऐसे सीखेंगे, अगर हम आज अगर अच्छे हो जाएंगे तो हमारा समाज भी अच्छा हो जाएगा। लोगों को बहुत बुरी लगती है जब मैं कोई बात कहता हूँ, कड़वी लगती है, लेकिन मेरी बात कड़वी नहीं है, मरने के बाद भी मेरी बात बहुत याद आएगी, जिस दिन तुम्हारा बेटा मरेगा, जिस दिन तुम्हारा पुत्र मरेगा नशे के, उस दिन उसकी बाप की आत्मा से पूछना कि मेरे बच्चा गला गया, और उसको पूछना किसकी वजह से गया है कि नशे की वजह से गया है। अधिकतम जो मौतें होती है वो नशे की वजह से होती है, अगर नशा छोड़ देंगे तो मुझे लग रहा है 100 बरस तक जियो, और मैं तो कहता हूँ 100 बरस क्यों जियो, आप तो 1000 बरस जियो, लेकिन बुरा काम मत करो,
समाज को नीचा मत दिखाओ, आगे बढ़ो ताकि समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज भी उन्नत समाज होगा। हम भी गर्व से कहेंगे हम भी क्षत्रिय और समाज के लोग हैं, दूसरे समाजों में भी हमारा अच्छा वर्चस्व बढ़ेगा, शोभा बढ़ेगी और दूसरे समाज भी हमारा लोग आदर करेंगे। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, ऐसी विभूतियों से प्रेरणा लें। 40 साल हो गए इन्होंने पिया नहीं है, ये हम भी पीते थे, कहते हैं कि हम भी पीते थे लेकिन समय के साथ हम बदल गए, आज नहीं पीते हैं। देखो ऐसे हमारे समाज की विभूतियाँ, हमारे समाज की ऐसी विभूतियाँ, ऐसे हमारे समाज के देखो शोभा बढ़ाने वाले बुजुर्ग जो हमारा साथ दे रहे हैं, आप भी थोड़ा साथ दीजिए और इन रूढ़िवादी परंपराओं को लात मार के गिरा दीजिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ भगवान चार भुजानाथ से कि आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आपसे मिले अच्छा लगा और आप आशीर्वाद देते रहना। हम समाज को जागृत करने के लिए आए हैं और जागृत करेंगे। मैं सोच रहा हूँ एक बार समाज के लोगों से मुलाकात करूँ, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, किस हालत में है, क्या पुत्र की इज्जत करते हैं, बाप बेटे की इज्जत करता है, दादा पोते की करता कि नहीं करता है, पत्नी पति की इज्जत करती कि नहीं करती, ये ढूंढने के लिए निकला हूँ। ये मिशन है मेरा, जब सब ठीक हो जाएगा तब समाज के लोगों को मांगेंगे, एक-एक हम गवर्नमेंट के अफसर भी बनाएंगे, अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे और हमारे समाज की जागृति करेंगे। गवर्नमेंट का टैंक लगाओ, ट्यूबवेल लगाओ, मोटर के द्वारा पानी घर घर पे नजदीक पहुँचाओ। स्कूल है 5 तक स्कूल है, 8 तक करो। हम गरीब है, हम बाहर कैसे भेजेंगे बच्चों को? सही है, ऐसी सुविधाएं का फायदा लो उनसे, जैसे लाइट है, लाइट की सुविधा तो है सही, उसके अलावा और भी जैसे प्रधानमंत्री आवास है, मोदी 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, मैंने देखा कि यहाँ पे किसी ने प्रधानमंत्री आवास नहीं, किसी ने भी स्कीम का फायदा नहीं उठाया अभी तक। तो सरपंच के पास जाओ, उनसे कहो शौचालय सबके प्रधानमंत्री आवास है, गैस सबके पास होंगे, है ना, बहुत सारी सरकार की स्कीम है जो हम लोगों को अभी तक उस पाई चीज का फायदा नहीं उठा पाए। कितनी आज हमारे गांव में आदरणीय गजानन जी गलगट साहब हमारे गांव में पधारे हैं, हमारे गांव में पधार कर हमारे गांव की शोभा बढ़ाई, पूरे गांव की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने पधार कर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे को जागरूक किया है, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। गोविंद जी सर के लिए आप अपने हिसाब से बोल, करने वाले गोविंद लाल जी और उदयपुर वाले हमारे गांव में पधारे हैं, माँ उनके गुटखा सबका त्याग करो और पढ़ाई पर ध्यान दो, उनके माँ बाप से ये कहा है कि गोविंद लाल जी और ने बच्चों को अच्छी अच्छी जानकारियां दी है, माता बहनों को भी अच्छी जानकारी दी है, आगे से हमारे गांव में इसी प्रकार आते रहे, सेवा देते रहे। तो शादी में पहुंच गया आनंद लेने? हाँ शादी में आनंद और भगवान जी क्या विचार है, आपका आशीर्वाद है, सुबह मुलाकात की थी, आशीर्वाद लिए थी और फिर किसे आए, मोटरसाइकिल नहीं गाड़ी लेना है, गाड़ी लेके आए, किस रोड से निकलोगा? हाईवे से निकले, हाईवे कुछ पड़ेगा, कैसे नहीं आए वैसे जसवा माता की मित्रों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल ओड आज आपको ले चलते हैं भगवान चार भुजानाथ मंदिर एवं बागोर भीलवाड़ा के बागोर जिले में, जहां ओडो का खेड़ा गांव में अधिक संख्या में और समाज के क्षत्रिय और समाज के लोग निवास करते हैं। किस स्थिति में आज आप जो बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ में 12 जिले के हमारे राजकीय कर्मचारी जयन साहब जो कि जनजाति विभाग में आदरणीय गजानन जी गलगट साहब जो है उदयपुर आगमन हुआ। परम सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार इतिहास में पहली बार उन्होंने भगवान चार भुजानाथ मंदिर के दर्शन किए और मंदिर के बारे में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश की। प्राचीन मंदिर है, उन्होंने भी ये बताया कि ये बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है, राजसमंद के जितने भी व्यापारी गण थे, बुजुर्ग गण थे, उन सबसे गजानन जी गलगट ने मुलाकात की
और सभी से जब मंदिर के बारे में जानकारी हासिल की कि ये वास्तव में क्षत्रिय और समाज का मंदिर है, उनको संतुष्टि हुई और उनको बहुत अच्छा लगा कि पहली बार 370 वर्ष पुराने मंदिर पर उनको आकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर में आ गए हो, अपने परिवारों के बीच में आ गए हो, ऐसा उनको फील कर रहे थे। बहुत ही अच्छी बात है कि राजसमंद की इस धरती पर हमारे क्षत्रिय और समाज का मंदिर होना ही अपने आप में गर्व की बात है। लगातार हमारे अच्छे कार्यकर्ता, बेस्ट कार्यकर्ता सभी जुड़कर तन मन और धन देकर इस मंदिर को विकासशील बनाने में बहुत सहयोग कर रहे हैं। अभी वर्तमान में मंदिर पर ऊपर पीछे की ओर जो है टीन शेड लगना है, जो कि 550,000 का जो शेड है वो विधायक कोटे के द्वारा बनाया जाएगा। उसका टेंडर लगभग हो चुका है, टेंडर प्रक्रिया चल रही है। और पिछली बार भी जो है आपने देखा होगा कि बावड़ी का जीर्णोद्धार कराया है, पीछे टाइल्स भी लगवाई है, मंदिर का रंग रोगन करवाया है, मंदिर के ऊपर जो है नाम लिखवाया, अब जो है रेलिंग लगवानी है। तो कुछ ही दिनों में रेलिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। हमारे जो भामाशाह है कुछ घोषणाएँ उनकी तरफ से है और कुछ पैसा जो है भगवान चार भुजानाथ के समिति के द्वारा लगाया जाएगा और मंदिर के आसपास में एक सुंदर रेलिंग लगाई जाएगी ताकि मंदिर के अंदर जो है कोई प्रवेश न करें मंदिर, क्योंकि मार्बल वगैरह लगवाया गया है तो वो गायें वगैरह जानवर जो है मार्बल को तोड़ देते हैं, इसीलिए उस रेलिंग के लगाना बहुत आवश्यक पड़ रहा है। इसके साथ ही मंदिर के पीछे जो खाली भूखंड पड़ा है उस पर लोग जो है बाथरूम करके चले जाते हैं, बहुत ही दुर्गंध आती है वहाँ पर, इसीलिए रेलिंग की बहुत ही आवश्यकता है। आसपास पड़ोसी व्यापारीगण इस मंदिर के विकास के लिए बहुत सहयोग कर रहे हैं, मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का प्रेम स्नेह इसी प्रकार बनाए रहे यही मैं आशा करता हूँ। और भगवान चार भुजानाथ की सेवा करने का ये अवसर मिला है, इस अवसर का पूरा पूरा लाभ हम लोग उठा रहे हैं, हमारी कार्यकारिणी उठा रही, हमारे मित्र, हमारे सखा और हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें सभी मिलकर इस मंदिर को विकास बनाने में बहुत सहयोग कर रहे हैं। इस मंदिर से आने वाला जितना भी दान या सहयोग राशि होगी हम उसको जनहित में खर्च करेंगे, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके बच्चों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी असली संपत्ति हमारे बच्चे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी है। अगर आज की पीढ़ी पढ़ेगी तो कल की पीढ़ियाँ भी बहुत तैरेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ गांव की कंडीशन ख़राब है वहाँ पर समाज के लोगों को मदद करनी है और वहाँ पर जो व्यवस्था अर्धव्यवस्था है उनको व्यवस्थाओं को हमें पूरा करना है। ये हमारी जवाबदेही है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। देखिए आप दृश्य देखा होगा कि बागोर में किस प्रकार से जो है समाज के लोग जो रहते हैं किस प्रकार से जो है वनवासी जीवन जैसा जी रहे हैं। वहाँ ना कोई शौचालय है, ना कोई सामुदायिक भवन है, ना कोई अच्छी रोड है, ना कोई नालियाँ हैं। ऐसा जीवन जी रहे जैसे कोई वनवासी जीवन जीते वैसा जीवन जी रहे हैं। हमने सभी स्कूल प्रशासन से संपर्क किया, उनसे जानने की कोशिश की तो उनका कहना है कि गाँव वाले जो है बच्चों को नहीं भेजते हैं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि परिवार से जलता है, परिवार परिवार के बारे में अच्छा नहीं सोचता है। ऐसे में हमारा समाज मित्रों कैसे आगे बढ़ सकता है। हमारे समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे पड़ोसी को ही, हमारे परिवार के सदस्य को स्कूल से जोड़ना पड़ेगा, उसको स्कूल से जोड़कर उसे अच्छी शिक्षावान बनाकर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि गाँव वाले बच्चे को नहीं भेजते हैं, बकरी चराने मवेशी चराने भेज देते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म कंप्लीट नहीं थी, जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थी, यहाँ तक कि पेन पेंसिल छोटी छोटी व्यवस्थाएं भी उनके पास नहीं थी। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा इतना लंबा चौड़ा समाज होने के बाद हमारे बच्चे जो है शिक्षा से वंचित है। हम धर्मशाला बनाते जा रहे हैं, हम लोग गलत तरफ पैसा लगाते जा रहे हैं, लेकिन इन नन्हे मुन्ने फूल की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे जो हमारे समाज की सबसे बड़ी संपत्ति है। आइए सब मिलकर ऐसे बच्चों की मदद करें। अगर ये बच्चे आगे बढ़कर कलेक्टर, SP या हमारे अधिकारी बनते हैं या अच्छे नागरिक भी बनते हैं तो हमें बड़ा गर्व होगा। हमें सबको मिलकर इसके लिए इस मिशन में शामिल होना चाहिए और हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये आगे चलेगा। इस गाँव में नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। हमने देखा है कि लोग सरेआम नशा कर रहे थे,
ऐसा के होता है कि गांव के अंदर अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, लेकिन ये रूढ़िवादी परंपराएं, अगर गांव के अंदर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले दारू और शराब जैसी चीज़ों से मनवार और मेहमान नवाजी की जाती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज को आगे बढ़ाना है और हमें पीछे की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं समाज के ये प्रतिष्ठान लोग, जो समाज को आगे क्या ले जाएंगे, खुद तो शराब पीते हैं, दूसरों को क्या सीख देंगे। तो मेरा का मतलब यह है कि जब तक गांव के लोग, मोतबीर बुजुर्ग, जब तक प्रेरणा नहीं लेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। देखिए कितने सुंदर बात कही हमारे बुजुर्ग मेघराज जी ने, जो कि ओडो का खेड़ा बागोर में रहते हैं, 40 साल से वो शराब नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितनी सुंदर आत्मा उनकी और कितने हथ पुष्ट है इस उम्र में भी। ऐसी प्रेरणा हम क्यों नहीं ले सकते, हम क्यों नहीं हमारे समाज को अच्छा बना सकते, हम क्यों नहीं हमारे समाज को जागरूक कर सकते? क्या हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारी जवाबदेही नहीं है समाज के प्रति? है, सबको मिलकर करनी पड़ेगी। अगर आपके गांव का कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, आपको भी प्रसन्नता होगी जब आपका बच्चा आगे बढ़ के देश की जिम्मेदारी संभालेगा, समाज की जिम्मेदारी संभालेगा, समाज को आज्ञावान बनाएगा, समाज को आगे ले जाकर समाज को विकासशील बनाने में पूरा पूरा सहयोग करेगा। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों की मदद करें तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मित्रों, एक बार और पुणे में आप तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर आप नशा करते हैं तो कृपया नशा न करें, और कोई भी अतिथि आपके गाँव में आता है उसका आदर और संस्कार करें। देखिए बारा की धरती से गजानन जी, जो कि गलगट और जो कि राजकीय कर्मचारी जनजाति विभाग में जयन पद पे इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वो आपके गांव में आए, क्या संदेश लेके गए होंगे? क्या उनके मन में कितनी पीड़ा होगी कि मेरा समाज अभी कितना पिछड़ा हुआ है, कैसा जनजाति जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है? मित्रों, हम सबको मिलकर हमें गजानन जी गलगट जैसे बच्चे तैयार करने हैं और हमारे अधिकारी और अच्छा नागरिक बनाकर हमारे समाज को देने पड़ेंगे, तभी हमारा समाज विकासशील बनेगा, हमारा समाज अग्रसर होगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं भगवान चार भुजानाथ से, माँ सती माता, जसवा माता से और सगर्म सम्राट से और हमारे पूर्वज भागीरथ जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि हमारे समाज के ऐसे गलत मानसिकता वाले लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे और हमारे समाज के पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि हमारा समाज निरंतर प्रगति करे, हमारा समाज भी आगे बढ़े और हमारा समाज भी सभ्य समाजों में अपनी पहचान स्थापित करे, हमें बड़ी खुशी होगी। मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ बागोर का, जिन्होंने भगवान चार भुजानाथ के लिए इतनी अच्छी सेवा दी, इतना अच्छा सुंदर पांडाल सजाया। मैं चाहता हूँ कि ऐसा सुंदर मेरा समाज भी बने, ऐसे सुंदर मेरे बागोर के लोग बने, ताकि मैं गर्व से कह सकूँ कि कितना अच्छा मेरा सुंदर समाज है, कितना अच्छा मेरा समाज है। मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आपने जो मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं उसका सदा ऋणी रहूँगा। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जसवा माता जी की।